नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में हुए चुनाव के साथ ही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी आम चुनाव हुआ और इन दोनों ही देशों में चुनाव के बाद आए नतीजों में वहां की मौजूदा सरकार ने सत्ता में वापसी की है। अब पूरे विश्व की नजरें भारत के चुनावी परिणाम पर टिकी हुई है। वैसे तो चुनाव परिणाम 23 मई को आएंगे, लेकिन इससे पहले आए तमाम न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल्स में जिस तरह से मोदी सरकार के आने के संकेत मिल रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बाद अब भारत में भी मौजूदा सरकार सत्ता वापसी करने वाली है। बीजेपी के महासचिव राम माधव ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है, इस हफ्ते सत्ता में बैठी सरकारों की वापसी हुई। ऑस्ट्रेलिया में पीएम स्कॉट मॉरिसन और इंडोनेशिया में राष्ट्रपति जोको विडोडो। 23 मई को भारत में होगी पीएम मोदी की वापसी। राम माधव के ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर ने लिखा, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, भाजपा वाले 300 प्लस सीटें अपनी ओर ले गए। इंडोनेशिया में सत्ता वापसी साल 2014 में हुए चुनाव के बाद जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए थे। इसी अप्रैल में हुए चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो जोको विडोडो ने एक बार फिर वापसी की। उन्हें 55.50% वोट मिले। जोको विडोडो को इस जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा, आपके दोबारा निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई। दो बड़े लोकतंत्रों के रूप में हमें लोकतंत्र की सफलता पर सामूहिक गर्व है। हम आपकी और आपके करिश्माई नेतृत्व के तहत इंडोनेशिया के लोगों की सफलता की कामना करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सत्ता वापसी। इंडोनेशिया की तरह ऑस्ट्रेलिया में भी सरकार ने सत्ता वापसी की है। साल 2016 में पीएम बने स्कॉट मॉरिसन 18 मई को हुए चुनाव में 78 सीटें जीतकर दोबारा पीएम बने हैं। स्कॉट मॉरिसन की पार्टी को इस चुनाव में 41.4% वोट मिले हैं। दोबारा पीएम बने मॉरिसन को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई देते हुए कहा, स्कॉट मॉरिसन को चुनाव जीतने की बहुत बहुत बधाई। हम आपके गतिशील नेतृत्व के तहत ऑस्ट्रेलिया के लोगों की सफलता की कामना करते हैं और रणनीतिक साझेदार के रूप में हम अपने संबंधों को और मजबूती के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में हुई सत्ता वापसी के बाद पीएम मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्र प्रमुखों को जीत की बधाई दी। अब बारी है भारत में चुनाव नतीजों की मतगणना की। वैसे तो एग्जिट पोल्स में बीजेपी को 300 से भी ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। अब देखना है कि 23 मई को आने वाले नतीजे क्या कहते हैं। क्या देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनती है? क्या ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया के बाद इंडिया में भी मौजूदा सरकार सत्ता वापसी करती है? ये तमाम सवाल 23 मई को आने वाले नतीजों के बाद साफ हो जाएंगे। मथुरापुरे लड़ाई कोरा मानुष देर अमार प्रणाम। गंगा सागर के तट पर बसे आप सभी साथियों को गंगा माँ के इस बेटे का प्रणाम। भाइयों और बहनों, 2019 के इस चुनाव अभियान में पूरे देश ने अपने इस सेवक को भरपूर समर्थन दिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग एक विशेष दायित्व निभाने जा रहे हैं। उनका ये सेवक एक मजबूत सरकार बना पाए, बुलंद हौसले वाली सरकार बना पाए, इसलिए पश्चिम बंगाल की जनता ने ठान लिया है कि वो बीजेपी को 300 सीटें पार करवाएगी। भाइयों बहनों, अभी मैं हेलीपैड से उतरा, मुझे वहां गाड़ी से बाहर निकलकर
रोड शो करना पड़ा। जितने लोग मैं यहां देख रहा हूं, इससे तीन गुना ज्यादा वहां हेलीपैड के पास दोनों तरफ खड़े थे। ये आपका अद्भुत प्यार, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जो मंच पर चढ़ गए उनको नीचे उतारिए, ये पूरा मंच नीचे गिरेगा। वो लाल शर्ट वाले सज्जन आप नीचे आइए भैया, जो ऊपर है सब नीचे आ जाइए। देखिए, आपका कोई भी नुकसान वो मेरा नुकसान है, कृपा करके नीचे आ जाइए। देखिए, कभी चोट लग जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा भैया। शाबाश, बहुत समझदार लोग हैं। बहनों और भाइयों, बीजेपी पर इस विशेष आशीर्वाद के साथ ही बंगाल की जनता दीदी को लोकतंत्र का मतलब भी समझाने जा रही है। जिस प्रकार दीदी पश्चिम बंगाल को अपनी और अपने भतीजे की जागीर समझ बैठी है, जिस तरह की हरकतें कर रही है, उसे देश भली भांति जान गया है। साथियों, चुनाव प्रचार के दौरान और खासकर बीते तीन चार दिन से यहां जो हो रहा है वो आप सभी देख रहे हैं। टीएमसी के गुंडों ने जो नर्क यहां बना रखा है, जिस प्रकार की हिंसा यहां फैला रखी है, उसके कारण गणतंत्र बदनाम हुआ है। टीएमसी के इन गुंडों ने जिस प्रकार का तूफान मचा दिया और एक कमरे में बंद जहां ताला लगा हुआ है, वहां पर रात को महान शिक्षाविद, समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की मूर्ति को तोड़ दिया गया। उस कॉलेज में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, क्या कारण है? सरकार जैसे नारदा शारदा के सबूत मिटाए, वैसे इसके सबूत मिटाने में लगी है। ये साफ दिखाता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए दीदी किस स्तर पर जा सकती है। साथियों, ईश्वरचंद विद्यासागर जी सिर्फ बंगाल के ही नहीं, पूरे देश के सपूत थे। उनकी मूर्ति को नुकसान पहुंचाकर जिन लोगों ने काम किया है, ये पाप किया है। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ये मेरी मांग है। भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक भारतीय जनता पार्टी के चिंतन को गढ़ने में बंगाल की संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बंगाल के गौरव की रक्षा करना ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। आज ईश्वरचंद विद्यासागर जी जहां भी होंगे, वो देख रहे होंगे कि कौन सा दल बंगाल के गौरव की रक्षा के लिए लड़ रहा है और कौन घुसपैठियों की रक्षा के लिए काम कर रहा है।